हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं और मेरे साथ बड़े भैया रंजीत जी हैं और हम दोनों जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, यानी कि देहरादून के रास्ते जा रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं। और देखिए और आगे चल के हम देखते हैं कहां तक जाते हैं और घूम के आते हैं, आपको ब्लॉग दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेगा और देखने के लिए। हम लोग जा रहे थे बुद्धा टेंपल और बुद्धा टेंपल जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए था और गाड़ी भैया जी लेकर आए थे और हम साथ में निकल गए। और निकल गए तो देखिए हम डोईवाला से होते हुए लच्छीवाला होते हुए हम देहरादून के रास्ते निकल चुके हैं और अभी हम मनी माई के मंदिर से आगे जा चुके हैं और देखते हैं आगे चल के हमें कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। और जाम भी रास्ते में बहुत मिलते रहते हैं इस रास्ते में। और हम जिस दिन गए थे उस दिन विधानसभा घेराव था और बहुत ही ज़्यादा जाम भी लगा हुआ था, इसलिए हमें थोड़ी देरी हुई जाने में, लेकिन क्या करें, जाना तो चाहिए। हम लोग देहरादून आए और जाम, तो आज का ब्लॉग हमें देख सकते हैं कितना खतरनाक हो रहा है। हमारे वीडियो में बने रहिए, प्यार दुलार दीजिए और हमारे वीडियो का आनंद उठाइए देख के। जाम ही जाम। जाम से बचने का तरीका ही नहीं है। देहरादून जा रहे हैं और देहरादून के रास्ते में जाम हमें मिल गया, जाम लगे पड़े हैं और देखिए खतरनाक हो रखा है रास्ता। पास हो रहा है इसकी वजह से जाम लग रखा है। जाम से निकल गए और देखते हैं अब दूसरा जाम हमें कहाँ पे मिलता है। और देख सकते हैं कोई बात नहीं, चलो आराम से। और ये देख सकते जियो स्मार्ट 1000 की गया है, 5000 जियो बन गया जियो वाला चले गए, अब मेरे को जियो वाले को चला। हाँ, अब हम लोग आज जियो वाले के पेट्रोल पंप पे तेल डलाएंगे, जिससे कि एक बार तेल डला लेंगे डालने में तेल हमारी स्कूटी चलता रहेगा। फाइनली हम लोग बुद्धा टेम्पल के रास्ता में आ गए हैं और जा रहे हैं, हम देखते हैं बुद्धा टेम्पल मंदिर पे। वहाँ पर शिव भगवान की बहुत बड़ा प्रतिमा है, उसको देखेंगे और आप लोग भी आएंगे। मैं हूँ और मेरे साथ एक भैया है, भैया ले गए हमें।
फाइनली हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गए और हम वहाँ आ ही गए। हम लोग आए हैं बुद्धा टेंपल घूमने के लिए और देख सकते हैं मेरे साथ मेरे भैया जी है और अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसी वजह से बाद में बड़ा सा गाड़ी खरीदेंगे। हैं पहले से बहुत बदल गए। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए बुद्धा टेम्पल घूमने के लिए और बुद्धा टेम्पल देख सकते हैं बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति है। देख सकते हैं आप लोग क्या खतरनाक है। मजा आ गया, मजा। आप लोग को ऐसा मौका मिले तो आप लोग जरूर घूमने के लिए आए देहरादून में। बुद्धा टेम्पल बहुत ही अच्छा जगह है, देख सकते हो मूर्ति कितने बड़े बड़े हैं। बनाने वाले ने क्या कारीगर होगा। यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं होता है, हल्ला एक भी नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। मूर्ति देख के बहुत मन खुश हो गया। आजा जी, सेल्फी लेनी है और देख सकते हैं सेल्फी लेने के लिए जिसको मन करे यहाँ पे आए और सेल्फी ले। कितना बड़ा प्रतिमा है। मजा आ गया, मजा, मन खुश हो गया। तो आप लोग को ऐसा मौका मिले तो आप लोग आए घूमने के लिए और मजा ले जिंदगी का पूरा। भैया इधर, क्या मजा है। मैं इसमें जब आया था देख घूमने के लिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने स्कूल के टीचर के साथ आया था, आज मुझे टाइम मिला तो मैं आया घूमने के लिए। और देखिए आप लोग मेरे वीडियो को प्यार कर दें और अच्छे अच्छे जगह घूमूंगा, आप लोग मेरे वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, और ये देख सकते हैं
मेरे साथ ये भैया जी हैं, और जहाँ कहीं भी मेरे को घूमना है या इनको कहीं जाना है तो मुझे बोलते हैं, तो मैं इनके साथ जब मैं खाली होता हूँ तो जाता हूँ, और जब ये खाली होते हैं अब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ भी जाते हैं। तो यानी कि ज़्यादातर वीडियो मैं और ये मेरे भैया जी हैं, हम दोनों साथ में ही बनाते हैं, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आता है और मेरे पास गाड़ी नहीं है और क्या नहीं है और अच्छा सा मोबाइल नहीं है। भैया ने मोबाइल दिलवाया है हमें, तो भैया के साथ हम लोग जहाँ भी होता है तो भैया ही जाते हैं हमारे साथ। तो आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा तो अच्छा सा मोबाइल लूँगा मैं, और इससे भी अच्छा मोबाइल लूँगा, फिलहाल तो अच्छे मोबाइल। देखिए ये धर्मगुरु का गाड़ी है और इनका बुद्ध प्रतिमा, बुद्ध भगवान के उधर एक बहुत बड़ा मूर्ति वहाँ उस साइड, उस साइड इधर कहाँ पे है? आ जाओ, सबसे बड़ी बात है कि इसमें देख सकते हैं चारों ओर जंगल है, जंगल कायम रहे। ये एफर आयरन